हे भैया, हे लाल बनिया ये जान मने तोरे पेट्रोल लागे का जोनि लगरे बहाय देत है। अरे गोरो, अरे गोरो, अरे गोरो, अरे बहुत मोटा माल छाप दी। अरे गोरो बहुत मोटा माल छाप दी। अरे दादा खा यार, कम से कम लाखों रुपया होई दो। ओहो, इतनी गर्मी है कि चला मोड़ पूरा आप कर दिया। अपन ऐसे लिए गांव नहीं आता है। मुंबई में अपन ढलैया का काम करता था, वहाँ पे भी इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितना यहाँ पे लगता है। कोई टैक्सी वाले का बुलाओ। टैक्सी, ओ टैक्सी। ओह माई गॉड, गांव में इतने गर्मी, साला गर्मी के मारे मेरा मोड़ ही फाटा जा रहा है। क्या बताएं, मन तो कर रहा है कि वापस ट्रेन पकड़ के मुंबई चला जाऊँ, लेकिन क्या करो, आ गया हूँ तो झेलना तो पड़ेगा ही। मेरे बाप ने भी नाक में दम करके रखा था कि आना है, आना है, आना है। मुंबई में ही बहुत सुकून था, वहाँ 2400 घंटे ऐसे चलता रहता था, गर्मी तो मेरे को सूंघ नहीं पाता था। लेकिन यहाँ आया हूँ तो गर्मी लगता है मेरे को ले लेंगे। घर चलो भाई, पंखा वंखा चलवाऊँ, थोड़ा ठंडा पानी वानी पीऊँ, तब जाके दिमाग को सही होगा। ओहो, कितनी गर्मी है। चलो अपने घर पर पहुँच गया, लेकिन गर्मी भी साला बहुत लग रहा है। हेलो बप्पा, सेकंड एक का कर लो। अरे रे पापा, पाई लगी, पाई लगी। करो राज करो, खा बर्बाद हो जाओ। आई गो बच्चा। हाँ हाँ, आ गया आ गया, घर पे पहुँचे तो। अच्छा, बहुत देर कर दी हो। अरे एक्चुअली क्या है पापा, ना ट्रेन ही लेट थी, बहुत ज्यादा लेट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे रोक पा, जाओ अंदर घर में जाओ, तनी अपने अम्मा से मिल जाओ, आशीर्वाद ले आओ। अरे नहीं नहीं, जा रहे पापा, गर्मी के मारे हालत खराब है साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अच्छा, है ठीक है। अरे यही लिहा जाओ, अरे के लिहा जाओ, आप मिलकर आओ, अम्मा अपने बहुत इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी लग रही है। अरे कर लो। हाँ पापा। अरे आएगा इतना जल्दी, मिल आया। अरे मिल आया पापा, पानी वानी पी के आए, लेकिन अंदर गर्मी बहुत लग रही है। और एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पे अम्मा गोहों को छोड़ रही हैं, पूरा धूल मिट्टी गर्दा जो है आ रहा है ऊपर, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना, गर्मी से वैसे परेशान है। गर्दा? हाँ। अरे गर्दा से यस भागा था तोहरे मने गोहों पर छोड़े गर्दा परेला। दादा 6 महीना शहर में का रहे, तू अंबानी हो गया हो। अरे भुलाएगा वो दिन, हिया दादा बही पूरा सीजन गेहूं दवायो है तो औसा खड़ा होकर लगावत रहे वही 60 रुपया घंटा में, मारिया गर्दा के नहान रहते रहो। अब 3 महीना दाल मिली में काम किया है, तुहार मुँह नहीं दिखाते रहा हमारे गर्दा के। अब आज तू गर्दा बतावत हो, गेहूँ पछोरे से गर्दा परिगा तोरे ऊपर। दादा यही धूल माटी में खेल तू बड़ा भेवाज, गर्दा भागत हो रे। देखो पापा, आप उनका दिमाग मत खराब करो, वैसे ही अपन को गर्मी बहुत लग रही है। वह ले नखरा ये न चली, अब ना जी पाए दादा। फेंको, ये बताओ पंखा नहीं लाके लगा सकते हो, मेरे को गर्मी लग रही है, जब लाइट है घर में तो क्या दिक्कत है? पंखा, अरे वो नई बात का समझता हूँ, 15 दिन थे पंखा खराब पड़ा है, बनवाई नहीं पाए, पैसा कौड़ी रहा न कि हम सोचा कर लू उठे हैं भाई, पैसा दे हैं तो बन जाई। और एक बात और कर लू सोचा है। क्या क्या क्या? ऐसा है कि बच्चा लाइट तो हमेशा रहत ना ही कट जावा करती, तो हम सोची थे एक ठौरे जो है इन्वर्टर लगवा ली घर में, तू पैसा दे देते तो हैं हमारे हमहो को तो। हाँ, हम पैसा दे देते। हाँ भाई, कमाए का बे क्या है। अब भाई हमहो को तोहरे अम्मक बहुत परेशानी पड़ जाते है गर्मी में, बच्चा राति में लाइट वाइट नहीं रहती तो पक्का पावल्ली था, जान था माथा कोसा यही मेरे काटा था, बीछी सांप का इतना डर है, अब कहूँ काट खोट लें तो बड़ी दिक्कत हो जाए। तो हम तो यही सोचा है पुताऊ ना, चलो पैसा रुपया कुछ दो, अब एक ठो इन्वर्टर ले आई और पंखा बनवा ली, बढ़िया हो जाए मजा, गर्मी कट जाए बस हमारे लोगन का। यही बुढ़ाऊ हमारे चक्कर में अभी तक बैठा रहे, कोनो काम नहीं कहे ने, मैंने दादा हम कमाई कमाई लाई तब घर का पूरा काम कराई, अब यहाँ जो गन्नक पैसा थपियाए रखे हैं वका ना निकली है। अरे रुको, कुछ उपाय लगाओ, कोई 1 लाख रुपया रखे तो दे भाई ना। अरे कहा सोचे लागे पुतो? कुछ नहीं डैड, जब अपन यहाँ पे आ रहा था ना तब मेरा सेट आउट ऑफ कंट्री चला गया और मेरा उसके पास 2 लाख रुपये निकल रहा था, तो एक भी पैसे डैड तो हमारे पास है नहीं। अब जब मैं यहाँ से मुंबई जाऊँगा तभी हिसाब हो पाएगा मेरा, तभी पैसा मिलेगा। तब ठीक है, और का कोई बात नहीं भाई, अब जब पैसा हो तब बनवाए बाउर का, तब लगवा दियो। नहीं नहीं डेट ऐसा है,
पंखा बनवा लो नहीं तो अपन को रात में नींद नहीं आएगी, पूरा रात हमको इधर उधर ही टहलना पड़ेगा। अपन वहाँ पे मालूम नहीं है क्या तुमको? एसी में रहता था कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब यहाँ पंखा चलने पे भी मच्छर लगेंगे, लेकिन पंखा ही बनवा लो, काम चल जाएगा किसी तरीके से। अरे ठीक है बच्चा, अब हम ही कौन में बनवाए, जब तुम्हारा कोनो सहारा ही नहीं रहेगा तो अब बनवावे तो पड़ बेखरी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तू बैठो जोन है, अब हम देखे तुरे अम्मा गुहरा कुछ। अरे बड़का, अरे लाओ कुछ बनाओ, देखो चाह पानी लौंडा आवा है बम्बई से, इतना दूर से तू जोन है, परेशान कर रही हूँ। ओहो बहुत देर होगा। अरे कल्लू को, कल्लू उठाता हूँ, क्या हुआ? ऐसा है कल्लू कि आओ चली तनी खेते चलाता हूँ। बात यह है कि मंगावा रहा 10 ठू पेड़, तो ऐसा है कि चलो वका लगा जाए, 5 ठौ तू खोद दिह और 5 ठौरी हम खोद दे। भाई देखो अकेले हमारे हिम्मत तो अब है ना कि अकेले सारा खोद के बैठा दी, तो ही का गोरत रहन कि भाई कल्लू आ जाए, बस दोनों जने चली फट से बैठा दी, पेड़ा पर लग जाए। देखो पप्पा, अपुन से ये सब नहीं होगा है? और अपुन अभी ये सब काम थोड़े ना करेगा, मुंबई में मैनेजर का जॉब करने वाला आदमी ये सब छोटा मोटा काम करेगा पप्पा। क्या कहा था है? हटाओ पप्पा ये पेड़, और गर्मी के मारे पूरा जान अपन का निकला जा रहा है, तुमको पेड़ की परी है। तब्बा ये जवान मारे गर्मी के बिलबिलान जाता है, ये सब यही नतीजा है। अरे पेड़ का बैलू तुम्हें पता ही नहीं है, ये जवान ऐसी कूलर पर बड़ा फूला हो ना, ये पेड़ ना रही तो तहार यक्का उठाओ ना चली, समझो? क्या क्या कैसे बात कर रहे हो पप्पा अनपढ़ो वाले तुम, अपन का ये बताओ कि तुम लाइट से चलता है कि पेड़ से चलता है एसी कूलर अपना? बात समझो पहले, धरती से अगर ये पेड़ इतना ना कम होते तो इतना गर्मी हो भाई ना करे, जोन मरा जाता है मारे एसी कूलर के बिना ना रह पाओ था। और सुनो, जोन एसी कूलर बिना पेड़ के चले वाली बात ना है, वह के बात सुनो। देखो धरती पर अगर पेड़ ना रह जाये तो बारिश ना हुई, और बारिश ना हुई तो पनिया ना रह जाये, और अगर पानी ना रह जाए तो बिजली कैसे बनी, और जब बिजली ना रही तो तहारी एसी कूलर सब झुनझुना है झुनझुना, ओकरे बिना चलबे ना करिए, फिर नहीं लिया बजायो। ठीक है पप्पा, जाओ तुम पेड़ लगाओ, लेकिन कल्लू नहीं जाएंगे, कल्लू जा रहे हैं रंगीला के घर पे, सुने हैं एसी लगा है, 2 दिन से भाई थके हुए हैं, सफर करके आए हैं, वहीं पे सोएंगे, शाम को आएगा पुनः। जाओ 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 दादा जाओ, तोरे भरोसे थोड़े हैं, जाए थे पेड़ तो लगाए कर भाई। ठीक है जाओ। 2 दिन तो बम्बई का चला गया, बिल्कुल अंग्रेज हो गया। देखो पापा, हमारे मुंबई के बारे में कुछ मत बोलना। यह सौलाद दादा मिल गए है, यह सौलाद मिल गए, कहा बताए करमा फूटिका हमार तो। अरे रंगीला भैया, गेट तो खोलो, देखो कौन आया है भाई। मैं गांव आके ही फंस गया साला, इतनी गर्मी है कि उसका कोई जवाब नहीं। अरे कल्लू भैया, कहिया आया बम्बई भैया? अरे अपुन आज ही आया मुंबई से, लेकिन साला गर्मी के मारे जान जा रही है, तुम्हारे एसी वाले कमरे में थोड़ा आराम करना है मुझे। अरे कल्लू भैया, एसिया तो हमार महीनन से खराब पड़ी ही, अब पैसा कौड़ी के दुखे मौका बनवायु नहीं पान भैया। अरे पंखा तो होगा? का बताई कल्लू भैया, यक्का ही पंखा है हमारे घर लाने, वह हमारे मलकिन के कमरम लाग है, आराम करत ही हुए, अगर जगा दे हैं तो बिल्कुल जीव दुष्भार कह दे हैं, महाभारत हो जाए भैया, ओकरे लिए क्षमा करो। तेरे की लगता है अपन का किस्मत ही खराब है साला। अरे कल्लू भैया चले जाओ भड़कीला खिया, बड़ा हैवी पंखा रखे है, अगर चला दी तो उड़ जाई हो, बहुत तेज हवा दिया थे भैया। चलो ठीक है, अपन वही जा रहा है। अच्छा जा तो हो, ये बताओ कल्लू भैया समवा कहे चौराहो मिली हो? शाम को तो मिलेगा, लेकिन यार अपन देसी छोड़ दिया। अरे कल्लू भैया तुमने हम देसी कब लिया था, हम तो कही थे इंग्लिश वाला एक ठू ले। एक हाफ लेने का उधर, अपन दोनों लोग एंजॉय करके शाम को आऊंगा, 8-8 बजे तक आ जाओ चौराहे पर, बिल्कुल एनी टाइम मिलने का। ठीक ठीक जाओ। ऐसा करता हूँ, कल ही टिकट निकलवा लेता हूँ मुंबई का। अरे यार ये गाँव वाले इतने गर्मी में रहते कैसे हैं, मुझे तो घुटन हो रही है। ऐसा करता हूँ पहले भड़कीला के घर जाता हूँ। अरे कल्लू भैया बम्बई से कहीं आए हो? अरे आज ही आया तो यार भड़कीला, तुम्हारे घर तो जा रहा था। है हमारे घर ये कुछ तोहफा लाए हो, का वहाँ दिए जात रहे हो घर ये? अरे यार मैं गर्मी से बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ पे आके, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे घर कोई पंखा है जो बहुत तेज चलता है। ए अरे यहाँ तो हुए भैया, जरी गवाह है लिया जाए थे बनवावे। तेरे के भड़कीला, तुम्हारे घर एक ही पंखा है क्या? हाँ भैया कल्लू, यहाँ एक्का ही पंखा। चला तुम लोग गरीब के गरीब ही रह जाओगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर फ्रिज तो होगा ही?
हाँ फ्रिज तो है भैया। चलो यार मुझे उसी में बैठा दो खोल के, वरना गर्मी के मारे मर जाऊंगा मैं। भाग जाता हूँ कि नहीं, मैंने अम्मा खाए पिए वाला सामान रखा है और कहा था ले चलो हम ही घुसेर दे अम्मा। एक तो छोट एक्कन फ्रिजियम है, मैंने भुरकी में हाथ ही घुसेर मिली। अरे यार भाई कुछ तो उपाय होगा ये गर्मी दूर करने का। सुनो चला जाओ चौराहे, हुआ एक मिला बर्फ बेचत है, वही बर्फ के सिल्ली पर लेट जाओ, बस एकदम ठंडाई जाबो तू। वाह भड़कीला भाई वाह, ये आइडिया तो मुझको जम गया, मैं तुरंत ही उधर जाता हूँ, बर्फ के सिल्ली पे लेट जाता हूँ। ठीक ठीक जाओ जल्दी जाओ जल्दी। बर्फ ले बर्फ ले, बर्फ 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 बर्फ। हे 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 भैया, हे लाल बनिया। भैया मैंने तोरे पेट्रोल लागे का जोनी रगरे बहाए दे थे। नहीं भैया बहुत तेज गरम लागे, कुछ देर लेटा रह जो। उठा उठा हे सिल्लिया, हमार के खरीदी खराब हो जाई तब हो। हे उठा उठा उठा, मारे पूरा सिल्लिया नुकसान कर दियो हमार। नुकसान? कैसा नुकसान भैया? कैसा नुकसान, मिली खा दिया गंधा थवा हे रगर दे हाथ गोड़ गांड मुड़ तो मन एका के खरीदी सिल्लिया हम। अब एका तुही के लिए पड़ी। मैं क्यों लूंगा भाई, ये सिल्ली तुम अपना बेच लो। मने जब खराब तू की है तो अब के खरीदी, कोई खरीदी एक को जने। अरे ऐसे कैसे यार, तुम्हारा सिल्ली कहीं खिया गया है क्या? खिया तो गबे की है, अब एका तू ही खरीदी हो, 1000 रुपया लागी, अब एका उठा ले जा अपने मुड़े धो के अपने घरे। चलो ठीक है मैं खरीद लिया, तुम भी क्या सोचोगे किस रहीस से पाला पड़ा है। हाँ हम सोचे हल्ला, पैसा दे। ए लो यार अपना पैसा लो 1000। लाओ यार अब एका ले जाओ सिल्ली, अपन मन हो जहाँ रगड़ा करो। अरे यार इतना वजन लेके कहाँ जाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा है। और सुनो एक बात बताई, अगर ज्यादा गर्मियान हो तो बगल दुकान है जाओ, ठंडा पी लो, बता सारा करेजा जुड़ाई जाए। अरे ये बहुत अच्छा आइडिया दिया भाई साहब आपने, हम तुरंत ही जा रहे ठंडा पीने। जाओ जाओ निकलो तो एका ले जाओ भैया। ठीक है लेके जा रहा हूँ, इसको लेके नहीं जाऊंगा यार, इतना वजन है, इतना रहित आदमी ये सब उठाएगा, रख लो इसको तुम। जाओ यार खता नहीं कहाँ कहाँ से आवा घर। अरे भाई साहब हैं, एक कोल्ड ड्रिंक देना। अच्छा अच्छा या लीन जाए। अरे गरम गरम कोल्ड ड्रिंक देते हो, ठंडा बढ़िया चिल्ड देना चाहिए एकदम से। अरे बाबू का करी, तनी गर्म है पी लो, ये है देहात, लाइट जल्दी आता ही नहीं, तब फ्रीजर चली नहीं पावत है, इसलिए ज्यादा ठंड नहीं हो पावत है। ऐसे कैसे पी लूं यार गरम गरम, पैसा नहीं लोगे क्या? अरे बाबू पैसा तो दे ही पड़ी यार, कैसे तुम लोग धंधा करते हो, गरम ठंडा ही पिला दिया। अरे रुका रहो, लो लो जाओ जाओ, तू ना दो पैसा। एक तो हुआ जोन है आया है, गर्मान है, लाइट ना है तो कोई का करे, तू कोनो बड़का अंबानी आयो है हो, है ना दो पैसा, जाओ चलो निकलो निकलो यहाँ से। अरे बेकारी समझ के रखा है क्या, कितना पैसा हुआ तुम्हारा लो ना, ऊपर से ठंडा कुरा दिया उसके बाद में गर्मा रहे हो। है तो गर्माई ना तो का करी, है बड़ा है भाई तू जो ना नाटक दिखाया। ला ला पैसा ला, वैसे इतनी गर्मी लग रही है क्या बताएं। ला ला दो पैसा, अपना पैसा लो, मोड़ खराब कर दिया, वैसे इतनी गर्मी अपन को लग रही है। ऐसा है ज्यादा गर्मान हो तो चला जाओ कौनो बगिया में, हुआ जब ठंड बाजार लगी तब तहार गर्मी दूर हुई। वाह 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 क्या बात है भाई, इतना अच्छा आइडिया दे दिया, अब अपन बगिया में ही जाएगा। जाओ 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 निकलो, आया है यहाँ नौ टंकी दिखाए हैं बड़का। यहाँ पे बहुत सुकून है, ठंडक भी बहुत है, लेकिन ये बच्चे बहुत करवाचन कर रहे हैं। अब यहीं पे सोऊंगा कुछ देर आराम करके तब निकलूंगा। ओहो अरे फिर फोड़ दिया मेरा, अरे दादा अरे दादा मेरा मोड़ है फोड़ दिया, बच गया लगता है, लेकिन गुलमा गया। अरे तुम लोग भाग जाओ वरना पकड़ के टांग तुम्हारा चीर देंगे, घर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। दादा अरे दादा मेरा मोड़ है गुलमा गया बहुत। कहा हो लड़कन का, मैंने कहे गरी आवत हो। अरे मेरा तेरे गुलमा गया, ऐसा ढेला फेंक दिया ऊपर हमारे। तो मैंने लड़के बगिया में आम झोरत खात है, तब कहूँ लाग गया हो तो नहीं तू करिए बहु। अरे इतनी गर्मी है, हम सोचा यहाँ पे आके आराम करो तो ढेला फेंक दिया यार, किसी दिन बम बहा देंगे। तब गर्मी है तो बगिया में आराम ना कराओ, हाँ। चला जाओ नहर बहत है, हाँ। वहीं चला जाओ खूब डुब्बी मारो, बस ठंडा हो जाओ भाई साहब। वाह हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा तुमने आइडिया दे दिया। बगिया में ना रहो, लड़कन का ना गरियाओ, नहीं बहुत मारा जाबो यहाँ गाँव हो जाओ लड़के पक्का। ओहो तालाब का तो नजारा ही अलग है, कम से कम 2 से 3 घंटा यहाँ पे नहाऊंगा तब घर पे जाऊंगा। पहले पूरा कपड़ा उतार देता हूँ उसके बाद में नहाऊंगा। बप्पा हमारे कह रहे थे कि चलो खेत में पेड़ लगाने, अरे मरना है तो भाई तुम मरो,
कल्लू तो यहाँ पानी में इंजॉय लेंगे, अगर चिल्ड बियर होता तो और मजा आ जाता। हो तेरी, मेरे यार कोर्ट में तो 1,00,000 रुपए हैं, कोई चुरा ना ले जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस तालाब में कौन आने वाला है, पैसे रख देते हैं, अभी नहाने के बाद में पहन लेंगे। मजा आ गया, आप यहीं पे नहाओगे आराम से। चलो नहाता हूँ। अरे 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 रुको रुको, अरे चले भैया, कहा तो पुलिस का चकमा देके भाग गया बागा, नहीं तो आज मार डाल जाते। बहुत सही कहा था गुरु, जेले करते तुम मर गयो। अब ऐसा सुनो, अब ऐसी कह ले आराम, इधर कोई ना एकदम सुनसान है, सब आगे चला जाए, लेकिन ताका करो, इधर उधर देखा करो गुरु। तो 2 मिनट आराम करो, हम तनी हल्का हुए आई, बहुत तेज लाग है, बहुत तेज लाग है। अरे यार हम बड़े चूतिया आदमी यार, एकदम कुकुर मुतवा हो गयो यार, जब देखो तब यार हमेशा छुल छुल करे करतो, चक्कर तो रस्तन दौड़ दौड़ करे भाई, ओकरे बाद फिर लाग गए यार। अरे गर्मी बहुत लागत है, कुछ दिक्कत होएगा है वालमा। अरे ठीक है जाओ यार, जा इधर इधर करो, इधर से बयान आवत है भैया। क्या बताऊं मैं, अरे गोरो, अरे गोरो, अरे गोरो, अरे बहुत मोटा माल छाप दी, बहुत मोटा माल छाप दी, खराब पेशाब कर तो है, ये पोर्ट में मोबाइल और 1,00,000 रुपए कम से कम कैश मिल गया। अरे गोरो बहुत मोटा माल छाप दी। अरे दादा यार कम से कम 1,00,000 रुपया हुई दूर, पुलिस का खरीद अब हमारे लोग ले खा दी हुई का यार, जल्दी निकलो, वैसे रुपए टाइम नहीं है, नहीं तो कहूँ और छाप दे। भाग ले रहा गोरो, भाग ले रहा। अब जाके तरावट आया थोड़ा। अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया यार, इधर आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, लगता है चोरी हो गया, अब तो मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। दादा 1,00,000 रुपए कैश अपन मुंबई से लेके आया था, कोई लेके मार गया, कहा अगर अपने बप्पा का बात मान लेता, खेत में चला जाता अगर पेड़ लगाने, तो ऐसा नहीं होता, गर्मी के चक्कर में साला पूरा गर्मी ही निकल गया वो। बाप अब मैं क्या करूँ दादा, मैं तो बर्बाद हो गया, जितना मेहनत था सब पानी में चला गया। बप्पा, अरे ओ बप्पा, अरे लूट गन बर्बाद है गन, हम कौनो लायक नहीं बचन। अरे ये का भा दादा, तार कोटो पॉइंट चला गया, अब तो अवधि भाषा बोल रहा गया, का भा कलवा। अरे अरे बप्पा हमरे घर में बहुत लाग रहा, हम चला गए तालम नहाए, अब हम रखे रहे 1,00,000 रुपए अपने कोटे में, यहाँ कौन चोर रह लेगा, अब हमारे तो पूरा गर्मी है झर गा। अरे हम 1,00,000 रुपए लाओ, तू देते ना एक चक्कर रुपया चला गया। हमसे झूठ बोले तब गवा है दादा, ये लौंडा हम बर्बाद कर दे बाप। दादा बाप महतारी फिकिर ना है, कहा था कि हमारे पैसे नहीं है तो घर में मराओ, अब ससुराओ का चोर लगेगा है। ये बाप का करे, हम सब लूट गए बर्बाद हो गए। अब समझा, अब समझा, वो अंग्रेजिया तू नहीं बोलते रहे, ना तोहरे गर्मिया लाग रहा, वो पैसा गर्मी हुआ सार जवन तू गर्मिया न हो, तू अंग्रेजी बोलत रहे हो, बड़का अंग्रेज बना रहे हो, अब तो तू बर्बाद की हो, सब बर्बाद कर दियो हमार धन दादा। अरे अब का कह रही बप्पा, गलती तो हो गवा, बहुत बड़ा जितना दिल कमा ला सब चला गया। अरे कौनो बात ना है, मारा थार अब का करे तो है, का कहे चोर लगेगा तब भाई, ओ बर्बाद हो गए दादा, लूट गए। ओहो हो, हे भगवान, ऐसा औलाद पाए के हम तो बर्बाद हो गए दादा, बर्बाद हो गए बाप। अरे बप्पा तो अब काल से हम अकेले आए, पेड़ लगावे तू ना आयो, अब गलती होएगा तो उन माफ करो, का बताई। अरे ठीक है ससुराओ, भला तू सुधरे तब, 1,00,000 गवाए कर तो तोहरे बुद्धिया आवा, अब जौन है बाप महतारी जे नाई कहा मानता, तेका यही गति होत है भैया, बिल्कुल यही गति होत है भगवान। चलो बप्पा, चलो तो तुराओ, चलो घर चले, और का तो बर्बाद के हो, जवन कमा रहे हो अब गवा तब हमार भयन बर्बाद, अब कहा कहे। ओ हो हे भगवान।